सर्दी का मौसम है और आई फिश खाने का मूड है, क्योंकि जब सर्दी आती है तो इस तरह की चीज़ें खाने का ना आपका दिल करता है। लेकिन जाना किस जगह पे वो अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि दो जगह हैं पास जिसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्या है वो मैं वहाँ जाके बताऊँगा, अभी मेरा डिसाइड नहीं हो रहा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं निकल पड़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी शॉपिंग हम लोग करने आए इंजन और इस्माइल पे, तो पहले थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे उसके बाद निकलेंगे वहाँ पे, तो देखते हैं मैं कहाँ पे जाता हूँ। मुझे बताओ क्या लेना है, कौन सा आपको पसंद आ रहा है वो ले लेते हैं। कौन सा कह रही मुझे बताओ ना, कौन सा कह रही मुझे बताओ, ये वाला तो ये आपको पसंद आया। ओ भाई ये तो फटा हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, नीचे से सारा खाली पड़ा है। मुझे लगता है स्टिच करना भूल गए मरी। ओ भाई साहब स्टिच करना भूल गए, ये क्या है क्या? ये तो रॉक स्टार है जैसे। अच्छा आजो देखते दिखाओ। तो ये वाला पेड़ आपने पसंद किया है, ये ब्लू रेड और वो भी इसके साथ में है, वो रेड वाला, वो पीछे वाला पूछ रहा हूँ। अच्छा है ये वैसे, ये ले ले इस तरह का, इसमें सामान मिल जाएगा, ये ले ले मरियम, इसका ये फायदा है मैं भी पहन सकता हूँ आप भी पहन सकती हो। क्यों ये अच्छा लग रहा है आपको? ये तो कोई फन फेयर पे पहनने वाला लग रहा है मुझे, ये है भी गर्ल्स मुझे लग रहा है, ऐसा ही है ये कर दो। तो यार तुम लोग देख सकते हो मैं अकेला ही यहाँ पे आके बैठ गया हूँ, और आज मेरा मूड था अकेले ही पार्टी करने का। तो अभी मैंने ऑर्डर दिया है, इनके पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी, आवाज़ शायद ना रही क्योंकि ओपन एरिया में बैठा हूँ। अभी उसने कहा कि ठंड बहुत है, नीचे ला के ना वो कोले वगैरह रखते हैं, तो देखते क्या ले करते हैं। अभी वो गया है भाई, अभी तो ये ले रख के गया पानी की बोतल, मैं देखता हूँ क्या ले करता हूँ। बाकी जगह बहुत ज़्यादा है, ये इससे भी ज़्यादा होगी जब ना लोग आ जाएंगे। तो अभी मैं टाइम से आया हूँ ताकि मैं टाइम से निकलूँ, क्योंकि मुझे आने में 1 घंटा लगा है, बहुत दूर था, 1 घंटा लग गया। ये मदीना रोड में कोई सूफा रोड पे एंड पे फिजाने मदीना के पास था, 1 घंटा लगा है पूरा, अभी जाने में भी 1 घंटा लगेगा। तो मैं बड़े टाइम से आया हूँ 5 बजे, अभी देखता हूँ ऑर्डर कितनी देर में आता है। तो यार ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, जो ये ला के रखे हैं हमारे पास ताकि थोड़े से हम लोग गर्म हो जाएं। अभी कुछ सुकून हुआ है, अभी ऑर्डर तो नहीं आ रहा, ये आ रही बस यही खा रहे हैं। ओ भाई फिश आ गई है, मैं इसको रगड़ा डालने लगा, उसके बाद मिलते हैं। वेल बात फिर वही हुई, जब वो खाना सामने आया तो मैं खाने को टूट पड़ा फिश को, और मैं वीडियो बनाना भूल जाता हूँ क्योंकि भूख ही नहीं बर्दाश्त होती यार, किस तरह लोग फूड का ब्लॉग बना लेते हैं। एनी हाउ बताता चलूँ, जो रोहू है उनका रेट कर, जो रोहू फिश है 1100 रुपये और जो फिंगर है वो 2400 रुपये। हम लोगों ने रोहू ट्राई की थी 2 kg, तो अच्छा टेस्ट था, बड़ा मज़ा आया, फ्रेश थी। खैर मैं तो खाने में लगा हुआ था, बाकी आप लोग ज़रूर जाकर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आप लोग वहाँ पे गए हैं तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन आप में आप लोगों के लिए खुला होता है, आप लोगों ने बताना है ज़रूर। एनी हाउ जी चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगेबान।